शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रात भर जमकर हंगामा किया। शिवसेना भवन के सामने रात भर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी रही। लोग फेसबुक प्रोफाइल को तुरंत बंद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। आधी रात को ही शिवसेना ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों ने कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया। कांस्टेबल संकेत सावंत शाम को दफ्तर से निकलने के बाद खुद को उसने गोली मारी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन असल वजह का खुलासा तो कांस्टेबल के होश में आने के बाद ही होगा। पटना सिटी एक्सप्रेस आधी रात को पटरी से उतर गई। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते ही अचानक यह हादसा हुआ। अब तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। ट्रेन डिरेल होने की खबर मिलते ही यात्रियों में दहशत फैल गई। काफी आवाज के साथ डिरेल हुई ट्रेन में सो रहे कई यात्री अचानक जाग गए। मुंबई में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से सायंस से चेंबूर की ओर जा रहा एक डंपर पलट गया। हादसे में ड्राइवर को भी चोटें आई है। अफगानिस्तान हजारों डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले अक्षत ठाकुर को मेरठ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अक्षत को सीबीआई के सुपुर्द किया जाएगा। बेहद शादे दिमाग वाले अक्षत ठाकुर ने अफगानिस्तान में हजारों डॉलर की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद आईबी ने रेड अलर्ट का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन वो मेरठ में आराम फरमा रहा था। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक 24 साल की युवती को बड़ी बेरहमी से गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को किसी भी तरह से लूटपाट के सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर में युवती के कत्ल के मामले में पुलिस को किसी करीबी पर शक है, क्योंकि कमरे में जबरदस्ती घुसने के सबूत नहीं मिले हैं। यही नहीं, लैपटॉप, सोने की इयररिंग्स और दूसरी कीमती चीजें भी जस की तस हैं। अंबाला में रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की सिरकटी लाश मिली है। राम कुमार नाम से इसकी पहचान हुई है। 23 साल का ये शख्स चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन इसकी मौत के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस राम कुमार को रेल से ला रही थी और इस बीच पुलिस की लापरवाही या फिर भागने की कोशिश में इसकी जान गई। लुधियाना में 18 करोड़ का ड्रग्स जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुख्य अभियुक्त की तलाश जारी है। यूपी के उन्नाव जिले के दौड़ियाखेड़ा के किले में 1000 टन सोने को ढूंढने के लिए 18 अक्टूबर से खुदाई शुरू कर दी जाएगी। बाबा शोभन सरकार के सपने को सच मानकर सरकार किले में खुदाई का काम करवा रही है। बाबा शोभन सरकार ने जिन जगहों पर बताया वहां ड्रिलिंग करने पर जीएसआई को जमीन के अंदर कुछ दबा होने का अनुमान हुआ है, लेकिन ये सोना चांदी या फिर कौन सी धातु है ये कहना मुश्किल है। डौलियाखेड़ा के किले के सुर्खियों में आने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यहां पर्यटन काफी बढ़ चुका है। लोग दूर दूर से पुराने किले को देखते हुए आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को बाबा शोभन सरकार पर काफी भरोसा है। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि बरसात में किले के आसपास से चांदी के सिक्के भी बरामद हुए हैं। बाबा शोभन सरकार ने दावा किया है कि 1857 की जंग में फांसी से पहले राजा राम बख्श सिंह ने किले में 1000 टन सोना दफन किया था। ज्यादातर इतिहासकार किले में 1000 टन सोने की बात को नकार रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि उन्नाव जैसी छोटी रियासत के पास आखिर इतना सोना कहां से आएगा। राजा राम बख्श सिंह को लेकर यहां बहुत सी किंवदंतियां हैं, प्रचलित हैं। कई बुजुर्ग गांव वालों का कहना है कि पूर्वजों के मुताबिक राजा के पास पारस मणि थी, जिससे इतना सोना यहाँ इकट्ठा हुआ। किले में पुरातत्व की खुदाई टीम ने अपना तंबू गाड़ दिया है, लेकिन लोगों का आना जाना इतना बढ़ चुका है कि प्रशासन किले की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो उठा है। News24 ने किले में मौजूद मंदिर का भी जायजा लिया। यहाँ के पुराने लोगों का कहना है कि मंदिर में राजा राम बख्श सिंह की आत्मा पूजा करती है। सवेरे जब मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलता है तो साफ सफाई पहले से ही हुई रहती है और प्रतिमा पर फूल भी होते हैं। के अंदर देखते हैं भगवान शिव का ये मंदिर है और भगवान शिव के बारे में यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है और ये कहा जाता है कि अभी भी यहाँ पे
जो यहाँ के राजा हैं उन राजा की आत्मा यहाँ पे निवास करती है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक दिन राजा यहाँ आते हैं, बकायदा जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं और इन्हीं सभी मान्यताओं के बीच बाबा शोभ सरकार के शिष्यों ने दावा किया है कि अगर किले में मौजूद खजाने को उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं बांटा गया तो वो सोना अपने आप लुप्त हो जाएगा। त्योहारों के सीजन में सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। प्याज के दाम 70 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। बाजार में महंगा प्याज लोगों के खूब आंसू निकाल रहा है। सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के दाम भी आसमान छू रहे हैं। शिमला मिर्च तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए शतक लगा चुका है। शिमला मिर्च मंडी में 100 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी का सीजन होने के बावजूद भी इसके दाम कम नहीं हो रहे हैं। बाजार में गोभी 60 रुपए किलो बिक रही है। बाजार में सब्जियां फलों के भाव बिक रही है। चौतरफा महंगाई बम फटने से लोग बेहाल हैं। कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं है। बाजार में भिंडी 60 रुपए किलो, मटर 80 रुपए किलो और अदरक अब भी 100 रुपए किलो बिकी हुई है। सब्जी नहीं फल भी महंगे हुए हैं। केला 50 रुपए दर्जन तक बिक रहा है। इसी तरह सेब 50 रुपए से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गया है। इंदौर में मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री को चुनाव प्रचार के दौरान नवरात्र के कार्यक्रम में लड़कियों को 100-100 के नोट बांटे, उनकी ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया है कि नवरात्र के मौके पर दान दक्षिणा की प्राचीन परंपरा है, इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था, ऐसी आचार संहिता को मैं ठोकर मारता हूं। लोगों को 100-100 के नोट बांटते हुए कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें सामने आई है। चुनाव आयोग पर दिए कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि ऐसे मंत्रियों पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी आचार संहिता तोड़ने के आरोप में पूर्व मंत्री मीठालाल जैन से चुनाव आयोग ने जयपुर के पैलेस होटल में पूछताछ की। पूर्व मंत्री के पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। समर्थकों ने इसे साजिश बताया है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है, मोदी की लोकप्रियता का गुब्बार जल्द ही फूट जाएगा। जैसे सभी गुब्बारे फूटते हैं वैसे ही ये गुब्बारा भी फूट जाएगा। राज्य को दिए गए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने मोदी पर आरोप लगाया है कि वो लोगों को खरीद रहे हैं और साथ ही इंटरनेट के जरिए झूठी सूचनाओं की बॉम्ब बोर्डिंग झूठ बरसा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर पलटवार करते हुए बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के सबसे बड़े भोंपू हैं और सिब्बल ने ही सोशल मीडिया पर बैन की कोशिश की थी। पिछले महीने भोपाल के बाद आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मंच साझा करेंगे। आज नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बनाए गए हाईटेक बगीचे का उद्घाटन करेंगे। भारत में फ्रांस के राजदूत श्री फ्रांकोस रिचिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रिचिया के साथ 14 कंपनियों के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी था। गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक चली बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे के विकास, सॉलिड वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट और डिफेंस इक्विपमेंट के साथ ही सोलर एनर्जी के मुद्दों पर गंभीर बातचीत हुई। राजस्थान बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट वसुंधरा राजे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के वक्त मुफ्त दवाएं और फूड सिक्योरिटी जैसी योजनाएं कांग्रेस की चुनावी नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी के साथ जो व्यवहार हुआ वो उसके हकदार थे। दशहरा रैली में पार्टी के समर्थकों ने जोशी को हूटिंग की जिससे उन्हें मंच छोड़ना पड़ा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के साइक्लोन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पटनायक ने कहा है कि खाने और दवाओं की सप्लाई सही वक्त पर की जा रही है। अहमदाबाद में भी नारायण साईं की ऐशगाह मिली है। शहर के पौश इलाके में बने इस बंगले में ऐशो आराम की